तो दो टाइप की होती है, पहली करंट सेंसिटिविटी जो हम अभी निकाल रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी, दूसरी वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई एस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है होता है थीटा बाय आई, जो थीटा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है ना, थीटा क्या है यहां, जितना कॉइल रोटेट हुई मतलब जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। फॉर्मूले के हिसाब से थीटा तो एज इट इज रह जाएगा और आई की वैल्यू ये ऊपर वाली पुट कर देंगे, दैट इज गैल्वेनोमीटर पे जो करंट आ रहा है जिसकी वैल्यू है के अपॉन एन बी ए थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो एन बी ए बाय के आ गया फॉर्मूला सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव हो, यानी कि कम से कम डिफ्लेक्शन पर भी, कम से कम करंट पर भी वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, तो आपको क्या करना होगा, अपने गैल्वेनोमीटर के के की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कम रखना पड़ेगा, मतलब अंदर जो वायर है उसके अंदर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कम रखना पड़ेगा आपको, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, एरिया आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, तब करंट सेंसिटिविटी आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है उसकी इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है बात? अगर गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो आपको उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने होंगे, उसके अंदर के कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी होगी, एरिया बढ़ाना होगा और उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के है उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ गैल्वेनोमीटर शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन इवन इफ अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू इट, बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट पास आउट हो रहा है बट उसके बाद भी आपका गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सो योर गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, और सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण ये होते हैं। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसकी डेफिनेशन क्या होगी। जैसा कि मैंने बताया था, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो, वो वोल्टेज भी डिटेक्ट कर देता है, मेजर नहीं करता, मेजर के लिए तो वोल्टमीटर है भाई। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू वी एस, दैट इज थीटा बाय वी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा बाय वी, एंड थीटा ये आई आर आ जाएगा साथ में, यही लिख सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू थीटा बाय आई आर। आई की वैल्यू तो आप ऑलरेडी ऊपर से लेके बैठे हैं, यहां पर यहां लिखा हुआ आई की वैल्यू, इसको उठा के पुट कर देंगे यहां पे, तो थीटा के अपॉन एन बी ए इंटू आर इंटू थीटा भी लगा, थीटा इंटू आर, सो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, थीटा कैंसिल आउट करते ही ये हो जाएगा एन बी ए बाय के आर, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, फॉर्मूला फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। इफ अ गैल्वेनोमीटर शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, देन वी कैन से द वोल्ट द गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। कम वोल्टेज पर भी वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर दे, कम करंट पर भी वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो वो ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहलाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, स्प्रिंग कांस्टेंट कम करो, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कम करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस आर है, देखिए V इक्वल टू आई आर लगाया है मैंने, आर यहां पे रेजिस्टेंस है, तो आर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम से कम रखनी पड़ेगी, मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम से कम होनी चाहिए, तब आपका जो गैल्वेनोमीटर आपको मिल रहा है उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी हाई होगी। मतलब
आपको R इस रेजिस्टेंस, इस R की वैल्यू कम रखनी है जो आप लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो यहां पर ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया, एंड हेयर वी हैव अ फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी। ओके, सो दिस इज अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, अब डिस्कशन यही खत्म नहीं होती, इस पर कॉन्सेप्चुअल आते हैं पेपर में, कैसा कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है वो डिस्कस करते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुछ ऐसा गैल्वेनोमीटर के अंदर चेंजेस लेके आइए कि दैट करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज हो जाए बट वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट गेट इंक्रीज। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है दोबारा सुनिएगा, हाउ वी कैन चेंज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इन सच अ वे दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी मे नॉट गेट चेंज। मतलब करंट सेंसिटिविटी तो चेंज हो जाए पर वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज ना हो, क्या कर सकते हो इसके लिए? वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हमने कहा एक तरीका है इसका। क्या तरीका है मैं बताता हूं, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए गैल्वेनोमीटर के। जैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। एज वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी विल बी इंक्रीज। बट आप कहोगे सर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है ना? आप अगर नीचे वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला देखें, पहले तो करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं कि भाई करंट सेंसिटिविटी चेंज हो रही है या फिर नहीं, ठीक है, देन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे आएंगे। सो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला NBA by K है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रही है, पर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू EVS जो है N अपॉन R है। कहता है जब तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो ना एक्चुअल में, तो तुम्हारी जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और जब कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाती है। लेकिन करंट सेंसिटिविटी जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। देखिए मतलब अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स, इसको भी स्मॉल एन ही ले लेते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स 3 times कर देता हूं, यहां मैं 3 times लिख दूंगा तो 3 NBA/K आ जाएगा। लेकिन जब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी में यहां N की जगह 3 multiply करूंगा ना, तो यहां तो 3 multiply करूंगा ही, साथ में मुझे रेजिस्टेंस में भी 3 multiply करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने नंबर ऑफ टर्न्स 3 times बढ़ा दिए ना, तो रेजिस्टेंस भी लगभग 3 times बढ़ जाएगा। तो कहता है तुम्हारा ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसके कारण वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहां पर मैं 3 multiply करूंगा तो यहां भी 3 multiply करना पड़ेगा, ड्यू टू विच वोल्टेज सेंसिटिविटी विल नॉट चेंज बट करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल चेंजेस इन दिस केस। तो योर आंसर विल बी इफ वी विल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर देन करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज बट वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल नॉट चेंज एज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑल्सो ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑल्सो इंक्रीजेस।